मैं भाई ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पे इंग्लिश बोलनी नेसेसरी नहीं होती थी तो क्या हम बिना डरे उनसे क्वेश्चन वापस पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन की वजह से आपको आगे के पांच छह क्वेश्चन गलत करके नहीं आने तो उसके अंदर एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी होती है जितना फायदा आपको अच्छी वोकेबुलरी से होगा ना उससे भी ज्यादा लोग नुकसान कर जाते हैं सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल क्या आपको आयल्स के एग्जामिनेशन से डर लग रहा है कि हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम रेडी हैं आयल्स का एग्जाम देने के लिए और आप लोग बहुत सारी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके हैं बट आपको वो रियल स्टिक सी नहीं लग रही आपको ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके अंदर आपको कुछ सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए कि जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए आयल के एग्जामिनेशन में सात बैंड साढ़े सात बैंड लाने की तो भाई इस वीडियो के अंदर अपना कोई क्लिक नहीं है कि आपके आठ बैंड या नो बैंड ले आएंगे अपने डिसेंट से बैंड की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बड़ी सिंपल सी चीजों को फॉलो करके अपने सात से साढ़े बैंड के अंदर लेके आ सकते हैं और आयल्स के अंदर जैसे कि हमें पता है कि चार मॉड्यूल्स होते हैं और किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर सात से कम ना रह जाए इस चीज का भी ध्यान रखना होता है है वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये कि, कि किसी एक मॉड्यूल में ना छह से भी कम बैंड आ जाते हैं और फिर उन्हें वापस से वो एग्जाम देना पड़ता है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल भी पकाने नहीं वाला आयल्स की फुल फॉर्म बता के आयल्स के बारे में बता के आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है अपने सीधा पॉइंट पे आते हैं बात करते हैं चारों मॉड्यूल्स के बारे में अब सबसे पहले अपने बात करेंगे स्पीकिंग के बारे में और रीडिंग के बारे में क्योंकि इन दोनों मॉड्यूल में ना बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उसके बाद अपने फिर मॉड्यूल पे बढ़ेंगे बात कर लेंगे आगे लिस्निंग और राइटिंग की अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको ना मेरी बैंड्स बता देता बताओ मेरे जो IELTS में बैंड्स वो ट्रिपल सेवन एट पॉइंट फाइव आए थे मतलब के अंदर मेरे थे बाकी सब में सेवन थे और और की की जो प्रिपरेशन थी थी ना मैंने लगभग एक दिन की करी थी, और उसके लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था तो मैं भी गाइज वही बंदा था जिसे की लोग कह रहे थे कि तू अपनी वोबुलरी पे वर्क कर नए नए वर्ड्स यूज करना सीख कॉम्प्लीकेटेड सेंटेंस बना अब सिंपल सी बात है वो सारी चीजें अपने पंद्रह बीस दिन में महीने में थोड़ी ना कर लेंगे अब जो लोग वो वीडियोस डाल रहे हैं कि हमारे साढ़े आठ आगे नौ आगे भाई उनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है मैं भाई ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊ जहां है शुरू से तो मेरे को भी करते हैं कि स्पीकिंग मैंने क्या टिप्स ट्रिक्स करी थी तो क्या सबसे पहले तो मैं एक डाउट क्लियर कर से पहले पूछा करते थे क्या हमारा जब इंटरव्यू चल रहा होता है उस टाइम अगर हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो क्या हम बिना डरे उनसे क्वेश्चन वापस पूछ सकते हैं तो जी हाँ मैंने भी अपने इंटरव्यू के अंदर दो बार उनसे क्वेश्चन रिपीट

आप कब लाओगे जब आपको ऑलरेडी जो इंग्लिश आती है उसी को इम्प्रूव करोगे एक फ्रेंड को बोल रखा था आधे को घंटे को उसको मैंने स्क्रिप्ट दे रखी थी इंस्टीट्यूशन होते हैं है. तो दोस्त मेरे से बस क्वेश्चन पूछता रहता था मैं उसको आंसर देता रहता था यह मेरी स्पीकिंग की कोचिंग रही थी तो यह चीज मैंने कंसिस्टेंटली करी थी और सच में उससे में को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था और दूसरे पॉइंट का जो ध्यान रखना है नेचुरल टोन अब बहुत से बच्चे गलती करते हैं के चले जाते

स्टूडेंट्स को करते हुए वो चाहे कितनी अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश बोल लेंगे नए नए वर्ड्स भी लेके आ जाएंगे बट जहाँ पे पास्ट को पास्ट में बोलना होता है फ्यूचर को फ्यूचर में रहने देना होता है वो हम वो कर नहीं पाते है। अब हैव की जगह हैड लगा रहे हो हैड की जगह हैव लगा रहे हो तो भाई कहाँ से आपको बैंड पूरे मिल जाएंगे तो इसलिए आपको समझ आ गया होगा कीप इट सिंपल कीप इट नेचुरल सिंपली उन्हें आपको बस ये दिखाना है की हाँ मेरे को इंग्लिश में बात करना आता है अगर मेरे को कन्वर्जेट करना पड़ा कहीं पे तो मैं नेचुरल वे में बंदों से कन्वर्जेट कर सकता हूँ बाकी भाई हमारे साथ यही होता है स्कूल के अंदर हम इंग्लिश को पढ़ना भी सीख लेते हैं लिखना भी सीख लेते हैं हमें नेटिव स्पीकर नहीं मिल पाते जिनके साथ हम बैठ के इंग्लिश में बात कर ऐसा है जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है ऑलरेडी वन वन के, तो के बारे में आप सबने सुना होगा बट इन्होंने ग्रुप सेशन वगैरह भी स्टार्ट किए जिसमें आपके साथ एक या दो स्टूडेंट्स और होते हैं जिन्होंने अपनी इंग्लिश करनी होती है और साथ में एक नेटिव ट्यूटर होता है जो एस यूएसए से भी हो सकता है यूके से भी हो सकता है और दूसरे जो बच्चे होंगे आपके साथ वो

प्लान्स है ना उनपे पे 45 परसेंट तक ऑफ दे रहे हैं आप जाके चेक कर सकते हो आपको पूरी है, इनकी का जो इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। और अब अपने बढ़ते हैं रीडिंग घंटा पहले -पहले तो होता है और को बीस मिनट से ज्यादा एक पैसेज को नहीं देना होता बट अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता क्या मेरे साथ भी वही चीज हुई थी पूरा एक घंटा निकल चुका है और तीसरे पैसेज तक पहुंच ही नहीं पाता बंदा तो उसके बाद गलती ये करते हैं जल्दी जल्दी करने की ट्राई करते हैं और उससे और ज्यादा

प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो टूटना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन गया तो आपके कंजीक्यूटिवली दो या तीन क्वेश्चन छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं तो प्रैक्टिस करो बार बार कि आपका लूज ना हो बहुत अच्छा स्कोर आप लिसनिंग में ले आओगे और उसके साथ ही ना एक ने ना एक प्रॉब्लम मेरे को बहुत दिनों तक परेशान किया था जो की थी कि अगर गलती से एक क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में नहीं आया या फिर हमें कंफ्यूजन हो गया कि इसका आंसर ये है या कुछ और होना चाहिए तो उसके बाद होता है क्या लिस्निंग के अंदर तो आगे चल पड़ती है स्क्रिप्ट बाद में दिमाग ना उसी क्वेश्चन पे अटका रहता है और आगे के पांच छह

वो वैसे के वैसे चिपकानी है राइटिंग के अंदर तो उसके अंदर एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी होती है आपको कि कोई भी वर्ड को ना रिपीट मत करो फॉर एक्जाम्पल पहले कोई ग्राफ है उसमें आपने ऐसे शो कर दिया कि इट स्पाइक डब वो चीज बढ़ गई और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको कोई और चीज रिप्रेजेंट करनी है तो आप लिखोगे की इट इंक्रीज बाय और उसके बाद कुछ और आप ग्राफ में या डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे तो आपने लिख दिया कि वी प्लस डाउन तो आप समझ लो इसके अंदर ना आपको स्टेटिस्टिक वगैरह डिस्क्राइब करनी रहती है तो आपको बार बार सेम वर्ड यूज नहीं करने बस एक सिंपल सी ट्रिक यूज कर लोगे उससे आपकी टास्क वन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए

टिपिकल वोकैब की नीड नहीं है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड बना बना के सेंटेंसेस बना बना के के आप लिख के आओ यू कैन कीप द थिंग सिंपल बट ग्रामर की मिस्टेक मत करके आना जितना फायदा आपको अच्छी वकैबुलरी से होएगा ना उससे भी ज्यादा लोग नुकसान कराए जाते हैं सिंपल ग्रामर की मिस्टेक करके तो ध्यान से लिखो जो भी चीजें आप लिख रहे हो और सिली मिस्टेक मत करके आना की आपको सही चीज के बारे में भी पता है कि क्या लिखना है बट फिर भी आप अनकॉन्शियसली गलत लिख के आ रहे हो तो वही बात जो मैंने आपको पहले बोली थी कि पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है और फ्यूचर को फ्यूचर में ही रहने देना है ये तो उधर वे होगी बात तो बाकी आप पॉइंट को समझ ही चुके हो तो इसलिए इस मैं झूठ नहीं बोलूंगा ये बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें थी जो मैंने फॉलो करी थी जिससे कि मेरे बैंड जो है वो सेवन पॉइंट फाइव आगे थे मॉड्यूल और ऑल दी बेस्ट गाइज जो भी अपना आइए का एग्जाम देने जा रहे हैं गाइज बी कॉन्फिडेंट मैं भी ना आइए का एग्जाम देकर भी आ गया था ना उसके बाद भी घर वालों को रोते रहता था कि मेरे बैंड नहीं आएंगे मेरे स्पीकिंग में छह रह जाएंगे साढ़े पांच रह जाएंगे मैंने लिटरली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे सेवन पॉइंट फाइव बैंड आ जाएंगे तो इसलिए मेहनत करो एक महीने की मेहनत अगर आप ढंग से कर लोगे ना एल्स के एग्जाम के लिए तो बड़े